टेली टॉप आप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज देखिए शक्ति में सौम्या ने क्यों और कैसे लिया तराना का रूप, इश्कबाज में कैसे ओबरॉय मैंशन में अनिका गौरी और भाव्या बिना जताए रख रही हैं शिवाय ओमकारा और रुद्रा का ख्याल, उड़ान में चकोर को क्यों दी सूरज ने सजा, साथ निभाना साथिया में करण की साजिश में कैसे फंसे धर्म और मीरा। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार अंकिता शर्मा यानी सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान की नैना, जो आज जूम पर एक्सक्लूसिवली कर रही हैं अपना तीज वाला लुक रिवील। ज्यादा कुछ नहीं है पर फिर भी एक येलो कोटी शर्ट है जो मुझे बहुत पसंद है विद अ साइड स्लिट एंड अ रेड बांधनी लहंगा विच इज वेरी राजस्थानी, तो मतलब फॉलो कर रही हूँ अपने शो के कल्चर को। और ये दुपट्टा है विद हैवी वर्क और बैंगल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हर इंडियन अटायर के लिए, एंड देन दिस मिनिमल ज्वेलरी, ये एक थ्री लेयर नेक पीस है एंड इयर रिंग्स एंड विद अ स्मॉल मांग टीका। वेल अंकिता, आज एक अनमैरिड लड़की हरियाली तीज पर कैसे सजती है वैसे तैयार हुई है और उन्होंने अपने फैंस को तीज पर कैसे करें श्रृंगार इसके टिप्स भी दिए। एक एग्जांपल तो यही है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है, यू नो, रादर देन वेयरिंग अ लहंगा विद अ शॉर्ट ब्लाउज आई थिंक ये काफ़ी कम्फर्टेबल है। प्लस मुझे हमेशा सी थ्रू कपड़े अच्छे लगते हैं रादर देन यू नो बींग लाइक मेकिंग योर टमी एंड ऑल फुली नेकेड, बेटर है कि कुछ नेट वाला हो, इट मेक्स यू लुक आई गेस इवन हॉटर इन एन इंडियन वे। एंड मेहंदी लगाइए और गो विद येलो कलर, आई थिंक इट्स प्रिटी कलर टू वेयर इवन इन समर्स, तो तीज पे प्यारा लगेगा। वेल वी होप अंकिता का ये तीज वाला लुक देख कर आप हो गए होंगे फुली रिचार्ज। सौम्या का फिर बदल गया है अंदाज, सौम्या बन गई है तराना। जी हाँ, एक बार फिर लौट आई है हरमन की गुलाबो अपने किन्नरों की बस्ती में और ले लिया है सौम्या ने एक बार फिर से किन्नर वाला लुक और बन गई है तराना। दरअसल सौम्या हो गई है अपने हरमन से नाराज इस बात के लिए कि हरमन क्यों छुपा रहा है समाज से उसके अस्तित्व को, और यही कारण है कि सौम्या हरमन का साथ छोड़ चली आई है किन्नरों की बस्ती में। वेल, सीरियल शक्ति में एक तरफ जहां सौम्या एक बार फिर से बन गई है तराना, वहीं दूसरी तरफ हरमन सौम्या को ढूंढते हुए वहां आता है और उसे साथ चलने के लिए बोलता है, जिसके बाद सौम्या हरमन से कहती है कि कौन सौम्या, यहां सिर्फ तराना है, और फिर सौम्या तराना बनकर बजाती है ताली। तभी हरमन उससे चिल्लाता है और ये सब बकवास बंद करके साथ चलने के लिए बोलता है। तभी वहां आ जाती है कई सारे किन्नर और जोर जोर से बजाने लगती हैं ताली, जिसे देख हरमन पीछे हट जाता है और सौम्या भी दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है तराना के अंदाज में। और जब हरमन फिर सौम्या को चलने के लिए कहता है तभी वहां किन्नरों की गुरु साया आती है और हरमन से हाथ जोड़कर वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन जब हरमन नहीं मानता तो वो पुलिस बुलाने की बात करती है। बोनस धमाका में मिलिए ससुराल सिमरका के समीर और संजना से। वह एक तरफ सीरियल शक्ति में जहां हरमन को साया भगा देती है, वहीं दूसरी तरफ हरमन चुपचाप रात में फिर आता है और सौम्या के कमरे की खिड़की का कांच तोड़कर उसके कमरे में घुस आता है और सौम्या का मुंह दबाकर उसे वहां से भगा ले जाता है, ये कहकर कि सौम्या और हरमन की प्यार की शुरुआत हुई थी किडनैपिंग से, और आज फिर एक बार से वही दोहराया जा रहा है। सीरियल इश्कबाज में चल रही है अनिका गौरी और भव्या की इश्कबाजी, लेकिन चुप चुप कर। जी हाँ, तीनों को अपने अपने हस्बैंड्स की फिक्र तो है पर वो उनको जताना नहीं चाहती हैं। शिवाय ओमकारा और रुद्रा तीनों पूल से नहाकर किचन में अनिका गौरी और भव्या के पास आते हैं। तीनों भीगे हुए हैं और ऐसी हालत में अपनी बीवियों से आइसक्रीम मांगते हैं पर वो तीनों आइसक्रीम देने से मना कर देती हैं क्योंकि उनको फिक्र है कि अगर तीनों इस हालत में आइसक्रीम खाएंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। वेल, पूल में स्विमिंग करने के बाद रुद्रा और ओमकारा बाथरूम में जाते हैं फ्रेश होने के लिए। तभी उनके पीछे से वहां भव्या और गौरी दोनों के लिए चाय लेकर आते हैं और चुपके से वहां से निकल रहे होते हैं। तभी उन्हें वहां शिवाय देख लेता है पर वो उसे बोल देती हैं रुद्रा और ओमकारा को मत बताना,
जब रुद्रा और ओमकारा बाहर आते हैं तो उन्हें लगता है कि चाय शिवाय लाया है। फिर शिवाय को किसी दवाई की जरूरत पड़ती है, वो अपने रूम में लेने ही जा रहा होता है कि उसे वो दवाई वहीं मिल जाती है क्योंकि अनिका ने पहले ही उसको दवाई वहाँ रख दी थी। अब अनिका, गौरी और भव्या तीनों भाइयों का पूरा ख्याल रख रही हैं पर जताना नहीं चाहती हैं। लेटर ऑन द शो, नरेन लाया पूजा के लिए शगुन की चुनरी। सीरियल उड़ान में आज चकोर को मिल रही है सजा। जी हां, सूरज दे रहे हैं चकोर को सजा कि चकोर करे सूरज की गाड़ी को साफ, तभी उसे मिलेगी माफी। ये सजा सूरज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि चकोर ने इमली के बच्चे के मामले में सूरज पर भरोसा नहीं किया था और अब चकोर को इस तरह गाड़ी साफ करनी पड़ रही है। और इसमें इमली ने चकोर की मदद करनी चाही तो सूरज ने उसे वहाँ से भगा दिया। गुस्सा नहीं है लेकिन मजे ले रहा है और इसे सजा दे रहा है कि तुमने मेरे को इतना सताया। मतलब इसी ने बोला कि मैं क्या करूं तुम्हारे लिए कि तुम मुझे बिल्कुल माफ कर दो, तो वो थोड़ा मस्ती कर रहा है, तो उसे ऐसी ऐसी अतरंगी चीजें बोल रहा है करने को। वेल, असली मजा तो तब आया जब सूरज और चकोर के बीच बात निकली अजय की, जहां गुस्से में चकोर ने पानी के पाइप से सूरज को भिगा दिया और सूरज ने भी बदले में चकोर पर पानी डाला और दोनों बिन बारिश ही भीग गए। दूसरी तरफ सूरज और इमली उड़ा रहे हैं चकोर का मजाक क्योंकि असल में सूरज ने चकोर को पहले ही माफ कर दिया था, मगर वो बस अब चकोर को मजा चखाना चाहते हैं, इसलिए ये सब प्लानिंग की थी उन्होंने। ये हाँ, मैंने इंस्पेक्टर अजय का जिक्र कर दिया तो इन्हें लगा कि फिर मैं ये ऐसे बोलते हैं कि मैं इंस्पेक्टर अजय को अपने करीब आने दे रही हूँ, विच इज नॉट ट्रू। तो मुझे बुरा लगता है तो मैं इनके ऊपर पानी फेंक देती हूँ। सीरियल स्वाभिमान में मनाया जा रहा है तीज का त्योहार। दोनों बहनें मेघना और नैना सज धज कर ससुराल में अपनी पहली तीज को मनाने के लिए हैं तैयार, पर उनके सामने आ गई है एक ऐसी रस्म जो थोड़ी मुश्किल है। मेघना और नैना को 21 मटकों को अपने सर पर रख कर करना है डांस। अब देखना है ये दोनों ये रस्म कितनी आसानी से निभा पाती हैं। नैना तो इस रस्म के लिए तैयार हैं, लेकिन रस्म से पहले ही उसे पता चलता है कि उसके मटकों में से एक मटका टूटा हुआ है। अब ये बात सुनकर नंद किशोर बोलता है, लो अभी तो रस्म शुरू भी नहीं हुई, पहले ही अब शगुन हो गया। चलिए जानते हैं नैना से कि उनका मटका टूटा कैसे। वो ऑब्वियसली जैसे इस घर के हाल है, लगता तो नहीं खुद से आए, तो somebody has done it for sure and I think has to be संध्या मासिमा। आइए अब आपको दिखाते हैं सीरियल साथिया में मीरा के लिए करण का इश्क वाला जुनून, जहां करण ने अपने सीने पर लिख दिया है मीरा का नाम, जिसे देख मीरा होती है नाराज। करण मीरा से कहता है कि वो उसके साथ दुबई चले, लेकिन मीरा उसे देती है करारा जवाब और डांट कर चली जाती है। सबको पता है कि मीरा इज अ लाइक यू नो शी इज एन एक्सट्रीमिस्ट और शी हरसेल्फ इज अ साइकोटिक पर्सन, तो उससे उसके लिए ऑब्सेस होने वाला इंसान उससे कितना गुना ज्यादा साइको होगा वो आप देख सकते हो। सीरियल साथिया में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां करण धर्म को अपने और मीरा के बीच से हटाने के लिए ले आए हैं गुंडे, क्योंकि जब तक वो नहीं हटाएंगे धर्म को रास्ते से, नहीं हो पाएगा मीरा और उनका मिलन। कहानी में आता है ट्विस्ट जब पकड़ लिया है करण ने मीरा का हाथ, वहीं दूसरी तरफ गुंडों ने तान ली है बंदूक धर्म पर, जहां खुद को बचाने के लिए धर्म और गुंडों के बीच हो रही है फाइट भी। सीरियल साथिया में एक तरफ जहां संकट में है मीरा के धर्म की जान, वहीं श्रावण करते हैं बेहोश होने का नाटक जिससे कि गुंडों का ध्यान हट जाए। तभी मौका देख विद्या पुलिस को कॉल कर देती है और फिर मीरा मारती है करण के सर पर फ्लावर वाज और भागती है वहां से। मीरा खुद को एक रूम में कर लेती है बंद, लेकिन करण दरवाजा तोड़कर घुस जाता है कमरे में और करता है जबरदस्ती। पर तब तक आ पहुंचते हैं धर्म बचाने अपनी मीरा को। धर्म मारते हैं करण को, तब तक आकर पुलिस कर लेती है करण को गिरफ्तार। सीरियल पिया अलबेला में नरेन ले आया है पूजा के लिए शगुन की चुनरी। जी हां, नरेन सुरभि को चुनरी शगुन में चढ़ाई जाने वाली होती है तो वो पूजा के लिए ले आया है, क्योंकि पूजा की चुनरी शगुन की रस्म में कुछ अड़चन आ गई है। अब माजरा क्या है ये पूजा और नरेन से ही जानते हैं। जो सेरेमनी थी वो चुनरी जलने की वजह से रुक गई थी और उसको सिर्फ इतना समझ में आया कि चुनरी चाहिए। बिना कुछ सोचे वो दोस्त के लिए दौड़ता हुआ आया और उसने चुनरी दे दी और अपेरेंटली सेरेमनी भी हो गई, तो वो भी खुश।
सीरियल ससुराल सिमर का में अंजलि को पता चल गया है समीर के बारे में कुछ राज, और अब वो उस राज को जानने के लिए सबसे पहले समीर के पास से बड़े चालाकी से गायब करती है चाबी। अंजलि उसके ऊपर जानबूझकर चाय गिरा देती है, और जैसे ही अंजलि के हाथ आ जाती है चाबी, वो बड़े ही चालाकी से मिठाई में उतारती है चाबी की कॉपी और फिर बड़े ही चालाकी से वहाँ से निकल जाती है। वेल, ससुराल सिमर का में एक तरफ अंजलि को पता चल गया है समीर का राज, वहीं दूसरी तरफ समीर भी है बेहद चालाक, और अंजलि अपने परिवार वालों के सामने खोले कुछ राज उससे पहले ही समीर बता देगा उस राज के बारे में जो अंजलि सबको बताना चाहती है। अंजलि को मुझ पे डाउट होता है कि ये जो समीर है लंदन से आया है इतना परफेक्ट कैसे है, तो वो छानबीन करती है, मेरे रूम में जाती है, मुझ पर कॉफ़ी गिरा देती है पहले तो, और चुपके से चाबी निकाल लेती है मेरी जेब में से, और फिर मेरे कमरे में जाती है, और फिर वहाँ जाकर वो अलमारी खोलती है और फाइल सब देखती है, तो उसको ये पिक्चर्स मिलती है और कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स भी मिलते हैं। तो अंजलि को डाउट होता है कि कुछ तो झोल है ज़रूर, और जो समीर है इतना परफेक्ट तो हो नहीं सकता, तो इसकी पोल खोल देनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो भारद्वाज हाउस में सबको बताती, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। भारद्वाज हाउस में अब एक बार फिर सिमर की प्यारी बहू रोशनी की बढ़ गई है परेशानी। तभी तो देखिए ना कैसे आज रोशनी पहले तो पूरे घर वालों के लिए बना रही है खाना, वहीं दूसरी तरफ खुशी, परी भाभी, उमा भाभी और अनन्या मिलकर रोशनी पर ढा रहे हैं सितम, और उससे धुलवा रहे हैं कपड़े पूरे घर के। लेकिन तभी सिमर आकर उसे रोक देती है और उल्टा वो सबके सामने रोशनी को गहने, कपड़े और पैसे देती है, ये कहकर कि मेरी सासू माँ ने दिया था, अब ये तुम्हारा है। क्या आपको पता है कि करण वाही अक्सर अवार्ड फंक्शंस के रेड कार्पेट को होस्ट करते हुए क्यों दिखते हैं? खुद करण बता रहे हैं इसका रीजन। यू नो, बहुत लोग बोलते हैं कि आप रेड कार्पेट ही सिर्फ क्यों होस्ट करते हो। आई थिंक आई टेक इट इन अ वेरी फन वे, इन द सेंस दैट आई थिंक आई गेट गुड कॉन्टेंट फ्रॉम पीपल। तो इसी बहाने मुझे बहुत लोगों से मिलने को मिल जाता है जिनको मैं यूजली मिल नहीं पाता हूँ, क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, लोग अपना काम कर रहे हैं। वेल, मौका था एक अवार्ड फंक्शन का जहाँ करण ने खतरों के खिलाड़ी के बारे में भी बात की। यार, खतरों इज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, विनिंग और लूजिंग वाज नेवर एनीवेज द गेम। मैं वहाँ पे अपना डर भी निकालने नहीं गया था, मैं एक एक्सपीरियंस लेने गया था। आई कम बैक एज अ वेरी वेरी हैप्पी पर्सन। किसी को GST समझ में आ चुका है तो अभी भी कई लोग हैं इस नए टैक्स को लेकर कंफ्यूज्ड। वेल, टेली टॉप अप ने जब टीवी इंडस्ट्री से GST के बारे में जानना चाहा तो कैसा था उनका रिएक्शन, खुद ही देख लीजिए। यार, आई एक्चुअली हैवंट रेड अबाउट इट, मैं ज्यादा पढ़ा नहीं है उसके बारे में, तो मैं कॉमेंट नहीं दे पाऊंगा। आई हैव जस्ट गॉट टू नो दैट इट्स जस्ट गेटिंग थिंग्स मोर एक्सपेंसिव, सो आई विल हैव टू सिट विद माय CA फॉर दैट। एक रेड कार्पेट पर वॉक करने से पहले दिखा दिव्यांका और विवेक का फैन इंटरेक्शन। जी हाँ, हाल ही में हुआ एक अवार्ड जहां पहुंचे दिव्यांका और विवेक भी। वेल, इससे पहले कि ये दोनों रेड कार्पेट तक पहुंचे, इनके फैंस ने इन्हें घेर लिया, कोई नच बलिए के विनर होने की बधाई देने लगे, तो किसी को तो इनके साथ पिक्चर्स चाहिए थी, और इसमें हमें दिखा एक नन्हा बच्चा भी जिससे मिलने दिव्यांका और विवेक खुद पहुंचे। टेली टॉप अप में अब बारी है आपको सीरियल आरंभ के बिहाइंड द सीन की खास झलक दिखाने की। जी हाँ, इस शो ने स्टार्ट से ही ऑडियंस में होल्ड बना लिया है, तो देर किस बात की, हम आपको दिखाते हैं इसके कुछ बिहाइंड द सीन्स ग्लिम्पसेस। सीरियल चंद्रकांता में आज राजकुमारी चंद्रकांता के कमरे में आ गया है एक बिन बुलाया मेहमान। ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि है क्रूर सिंह, जो अकेले नहीं बल्कि अपने साथ अपने सिपाहियों को भी लेकर आ गया है। वैसे आज क्रूर सिंह काफी गुस्से में चंद्रकांता के पास आया है और ले रहा है उसके कमरे की तलाशी। वेल, क्रूर सिंह तक पहुंच गई है खबर कि वीरेंद्र महल में घुस आया है, वो भी चंद्रकांता से मिलने, और क्रूर सिंह से नहीं हुई ये बात बर्दाश्त, और उसने चंद्रकांता को दे दी वीरेंद्र को जान से मारने की धमकी। इतना ही नहीं, चंद्रकांता को जल्द ही पता लग जाएगा कि उन्हीं के पिता ने उनकी शादी क्रूर सिंह के साथ तय कर दी है। वहीं दूसरी तरफ क्रूर सिंह चंद्रकांता को महल में भी चैन से नहीं घूमने दे रहा है, और देने वाला है राजकुमारी को नजर बंद करने का आदेश।
सारे गमा पा लिल चैंप्स के मंच पर पहुंची सुपरस्टार श्रीदेवी, जो कि अपनी आने वाली फिल्म मॉम के प्रमोशन के लिए यहां आई हैं। श्रीदेवी ने लिटिल चैंप्स के कंटेस्टेंट्स की मॉम के साथ सारे गमा पा स्टेज पर खूब किया एंजॉय। चलिए जानते हैं उनसे इस स्पेशल एपिसोड के बारे में। आई थिंक यू नो दे आर इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी चिल्ड्रन। बहुत अच्छा लगा, मैं ये दूसरी बार मैं इस शो पे आई हूँ। हर बार ऐसे लगता है यू नो पहली बार आके उनको परफॉर्म करते हुए देख रही हूँ। बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार रोहन मेहरा और क्रिसान बरेटो, यानी सीरियल ससुराल सिमरका के समीर और संजना, जिन्हें जूम के कैमरा ने किया कैद उनके न्यू लुक के साथ। और जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए दोनों ने किया रिवील अपने इस लुक के बारे में। बस हम मस्ती कर रहे थे और साथ में फोटोशूट भी चल रहा था हमारा। एक्चुअली एक सीन है जिसमें हमारी पिक्चर्स की जरूरत है कि जिसमें दिखाएंगे वो कि हम लंदन में बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो बस उसी का फोटोशूट चल रहा था। और कैसी मस्ती करती कर रहे हम करते हैं जैसे। जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए दोनों ने किया एक दूसरे की जमकर तारीफ भी। रोहन इस अवतार में डजंट ही लुक लाइक ही इज द कूल गाय, वो कूल गाय है, लंदन से आया है, लंदन में पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, वो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। अच्छी लग रही है, काफी हैट में डिफरेंट लुक है, ऐसा कभी देखा नहीं मैंने इनको पहले कभी, आई थिंक ऑडियंस ने भी नहीं देखा होगा। जूम से बात करते हुए क्रिसान बरेटो ने किया रिवील अपने पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट के बारे में। पर्सनली मैं ऐसे ही, ये मेरे कपड़े हैं, नॉट दिस, दिस इज माइन, पर मैं ऐसे ही ड्रेस करती हूँ। संजना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्रिसान। वेल वी होप कि आप टीवी स्टार रोहन मेहरा और क्रिसान बरेटो के इस न्यू स्टाइलिश लुक से हो गए होंगे फुली रिचार्ज। नकुल मेहता की वजह से दिल बोले ओबरॉय हुआ ऑफ एयर। जी हाँ, रिसेंटली ये खबर हो रही थी वायरल कि नकुल मेहता ने इश्कबाज और दिल बोले ओबरॉय में काम करने के लिए डबल फीस की डिमांड की है। अपेरेंटली नकुल को देखते हुए दूसरे एक्टर्स ने भी अपनी फीस बढ़ाने की डिमांड की। इसके बाद चैनल ने इश्कबाज और दिल बोले ओबरॉय को मर्ज करने का फैसला लिया। हालांकि नकुल ने इन सब रूमर्स को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कभी हाई फीस की डिमांड नहीं की है। वहीं ओमकारा का रोल अदा कर रहे कुणाल जयसिंह ने भी इन रिपोर्ट्स को खारिज किया है। बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट नितभा कौल ने की बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की बेटी सुहाना के साथ पार्टी। जी हां, नितभा ने अपने सोशल मीडिया पर एक पिक्चर कोलाज शेयर किया है जिसमें उनके साथ सुहाना भी दिखाई दे रही हैं। नितभा की ये पिक्चर हो गई है वायरल और उनके फैंस इस पिक्चर पर जबरदस्त कमेंट्स कर रहे हैं। नितभा के फॉलोअर्स उनसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि नितभा सुहाना को कैसे जानती हैं, तो कोई ये पूछ रहा है कि नितभा के साथ सुहाना आखिर क्या कर रही हैं। कमिंग अप ऑन द शो, सलमान खान पर छाया मोनी रॉय का फितूर, 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। टीवी शो मेरी दुर्गा में जल्द आने वाला है लीप, जिससे हमने आपको पहले ही अपडेट किया था। आपको हमने ये भी बताया था कि टीवी एक्ट्रेस अलीशा पंवर को इस शो में लीप के बाद मैच्योर दुर्गा का रोल प्ले करने के लिए फाइनल किया जा रहा है। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शो के प्रोड्यूसर रविंद्र गौतम ने अलीशा पर उन्हें और उनकी टीम को अंधेरे में रखने का इल्जाम लगाया है। रविंद्र ने बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए बताया कि अलीशा को उनके शो के लिए फाइनल कर लिया गया था और उन्हें जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया गया वो नहीं आई। फिर बाद में अलीशा ने मैसेज करके बताया कि वो दूसरा शो ज्वाइन कर रही हैं। सलमान खान के सर नहीं उतर रहा मोनी रॉय का फितूर। जी हां, जहां एक तरफ ये खबरें आ रही थी कि मोनी ने सलमान की फिल्म में कैमियो का ऑफर ठुकरा कर अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है और सलमान को खफा कर दिया है, वहीं अब ये न्यूज आई है कि सलमान मोनी को उनके जीजा आयुष शर्मा के ऑपोजिट फिल्म रात बाकी में लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि आयुष शर्मा खान प्रोडक्शंस के अंडर बन रही फिल्म रात बाकी से डेब्यू करने जा रहे हैं। खबर है कि सलमान की टीम ने मोनी को इस रोल के लिए अप्रोच भी किया है। बहू हमारी रजनीकांत फेम के टीवी एक्टर पंकित ठक्कर ने अपनी वाइफ से अलग होने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद पंकित और उनकी वाइफ प्राची का 17 साल पुराना रिश्ता टूट गया है। पंकित ने टीवी की दुनिया में पॉपुलर शो कभी सौतन कभी सहेली से डेब्यू किया था और तब से लगातार वो कई बड़े शोज में काम कर चुके हैं। पंकित और प्राची पिछले 2 सालों से अलग रह रहे हैं और अब फाइनली एक दूसरे से हमेशा अलग होने का फैसला लिया है। Minute ka full recharge. Zoom Tele Top Up. For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.